नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। पश्चिम बंगाल से जुड़ा एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स सड़क पर एक महिला सहित एक व्यक्ति को जमकर पीटता दिख रहा है। जबकि हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब सड़क पर इन दोनों लोगों की पिटाई हो रही थी तो वहां मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही। दिल दहला देने वाले वीडियो को लेकर विपक्ष ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार पर तीखा हमला किया है। जबकि ममता बनर्जी के ही एक विधायक ने ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद पूरे देश में टीएमसी की थू-थू हो रही है। देखिए इस मामले पर ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में बीच सड़क पर एक महिला को उतार कर पीटा गया। महिला की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर कई लोगों में आक्रोश है। बीजेपी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। नड्डा ने ट्वीट कर कहा, पश्चिम बंगाल से एक भयावह वीडियो सामने आया है जो उस क्रूरता की याद दिलाता है जो केवल धर्म तंत्रों में मौजूद है। मामले को बदतर बनाने के लिए टीएमसी कैडर और विधायक इस कृत्य को उचित ठहरा रहे हैं, चाहे वो संदेश खाली हो, उत्तर दिनाजपुर हो या फिर कोई अन्य स्थान हो। दीदी का पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए असुरक्षित है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में इस शख्स महिला को छड़ी से पीटता है। महिला बार बार चिल्लाती है, वो उसे मारना नहीं छोड़ता। कोई भी उस शख्स को नहीं रोकता टोकता है। महिला दर्द से करा रही है, कोई भी उसे बचाने नहीं आता। सभी लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहते हैं। पश्चिम बंगाल में हुई इस घटना का मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सहित सभी पार्टियां निंदा कर रही हैं। बीजेपी और सीपीआईएम का दावा किया है कि पिटाई करने वाला शख्स टीएमसी का नेता है और उसका नाम ताजेमुल है जो स्थानीय विवादों पर तुरंत न्याय देता है। वहीं इस मुद्दे पर टीएमसी के एक विधायक ने ऐसी बात बोल दी है जो कि शर्मनाक है। अब आपको बता दें कि चोपड़ा से टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान ने कहा कि महिला के साथ हुई पिटाई को सही ठहराते हुए कहा था कि आरोपी ताजेमुल का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने महिला को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि महिला अपने पति, बेटे और बेटी को छोड़कर दुष्ट जानवर बन गई थी। मुस्लिम राष्ट्र के हिसाब से कुछ कानून और न्याय होता है। इस बयान की बीजेपी ने तीखी आलोचना की थी। अब देखा जाए तो पश्चिम बंगाल से सामने आई आज की वारदात वाकई बेहद शर्मनाक है। वाकई ऐसी वारदातों पर ममता बनर्जी का चुप रहना न केवल पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर अब क्या कार्यवाही होगी ये देखना जरूरी होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।